हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन FF एक्सप्लेन। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ फंक्शन फैन फिक्शन डैड्स ऑब्सेशन के पार्ट 20 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेनजान अपने होम ऑफिस रूम में अपने ब्रदर और डैड के साथ बिजनेस रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने में बिजी था, तभी विंग बाहर से डोर पर नॉक करके कहता है, मैं ही कम इन। लेनजान अपने सॉफ्ट टोन में कहता है, यस कम इन। विंग मेट के साथ तीनों के लिए स्नैक्स लेकर आया था। विंग मेट से स्नैक्स टेबल के ऊपर रखने के लिए कहता है। विंग मिस्टर लेन के तरफ देखकर स्माइल करके कहता है, सॉरी डैड इम्पोर्टेंट मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, वो मैं बस। तभी लेन जान उसके रिस्ट पकड़कर उसे अपने लैप पर बिठाकर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, यू मिस मी राइट। विंग शाइली नीचे देखते हुए धीरे से कहता है, लेन जान डैड और ब्रदर के सामने तुम एटलीस्ट ऐसा मत करो, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेगा, मुझे एम्बैरेसमेंट महसूस हो रहा है। लेनजान कहता है, डू आई केयर। विंग जल्दी से लेनजा के लैप पर से उठकर खड़ा होकर सबसे माफ़ी मांगकर भागते हुए कमरे से बाहर चला गया। दो दिन बीत चुका था। नेक्स्ट डे विंग न्यू स्कूल जाने वाला था, जो लेनजान के ऑफिस के बहुत ज़्यादा करीब है। विंग रात को अलार्म सेट करके सोया था ताकि वो टाइम से उठ जाए और स्कूल के लिए लेट ना हो। सुबह से चार बार अलार्म बज चुका है, लेकिन विंग अभी भी गहरी नींद में था। अलार्म क्लॉक की घंटी से लेनजान जाग जाता है। लेनजान आंखें खोलकर स्लीपिंग विंग के तरफ देखता है, जो उसके पास लेटा हुआ था। विंग के हेड लेनजान के चेस्ट पर था और लेनजान के हैंड विंग के कमर में। लेनजान केयरफुली विंग को पिलो पर लेटा कर उसके फोरहेड पर किस कर उसे घूरने लगता है। सडनली लेनजान के दिमाग में वो सारी बातें हीट करता है। उसे सारी बातें याद आने लगता है, कैसे विंग उसे मिला था, कैसे विंग को देखते ही पहली नज़र में उसे विंग से प्यार हो गया था, उसके लिए प्यार धीरे धीरे कैसे उसका ऑब्सेशन में बदल गया। विंग के साथ फास्ट नाइट जब विंग ड्रंक था और अनकॉन्शियस माइंड में लेनजा के कहने पर उसे पहली बार ड्रंकन स्टेट में लेनजा के कहने पर लेनजा कहकर बुलाया था, और जब उसे सब कुछ पता चला तब उसके आंखों में आंसू था, गुस्सा था, लेकिन एट द सेम टाइम लेनजा के लिए लव और कॉन्सर्न भी उसी दिन दिखाई दिया था। विंग जेन्युइनली उसका परवाह करता है, उसे प्यार करता है, और अब शादी के बाद हर एक दिन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। विंग अब लेनजान से खुलकर अपने दिल की बात करता है और उसे लेनजान के माफिया होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट नाइट के बारे में याद करके लेनजान स्मार्क करता है। विंग आंखें खुलकर लेनजान को अपने ओर घूरते देखकर मॉर्निंग क्यूट वॉयस में पूछता है, क्या हुआ लेनजा। अभी विंग को स्कूल के बारे में याद आता है। विंग जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर बेड से नीचे उतरने की कोशिश करता है, तभी लेनजान उसका हाथ पकड़कर मॉर्निंग डीप वॉयस में कहता है, डोंट मूव स्टे विथ मी, तुम्हारे करीब रहने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग इनोसेंटली अपने लिप से पाउट बनाते हुए कहता है, बट लेनजान स्कूल के लिए लेट हो जाएगा अगर अभी मैंने फ्रेश होकर तैयार ना हुआ तो। लेनजान कहता है, ओके तो फिर मुझे मेरा मॉर्निंग किस दो। विंग कहता है, नो लेनजा एक बार तुम शुरू हो जाते हो तो फिर तुम रुकने के नाम ही नहीं लेते हो। लेनजान कहता है, ओके तो फिर मैं खुद अपना मॉर्निंग किस तुमसे ले लेता हूँ। ये कहकर लेनजान विंग को अपने करीब पुल करके उसके लिप्स अपने लिप से कैप्चर कर डीपली किस कर उसके नेक पर हिकी देने जाता है। तभी विंग लाउड वॉइस में कहता है, स्टॉप लेनजा प्लीज़ हिकी मत दो, अगर तुमने अभी हिकी दिया तो स्कूल में सबको दिखाई देगा और ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। लेनजान कहता है, ओ तब तो मुझे ज़रूर देना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए तुम किसे बिलोंग करते हो। नहीं, विंग लेनजान को पीछे पुश करके बेड से उतरकर बाथरूम के अंदर आकर डोर अंदर से क्लोज कर लॉन्ग ब्रीथ लेकर मिरर में खुद को देखता है। विंग शर्ट उतरकर नेक एरिया को देखता है। विंग कहता है, ऑलरेडी तुमने मेरी बॉडी में अपना बहुत सारा आर्ट बना दिया है लेनजा, अब इसे छुपाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और तुम न्यू आर्ट बनाने की बात कर रहे थे। लेनजान तुम सच में क्रेजी हो। तैयार होकर दोनों ब्रेकफास्ट टेबल में बैठे थे, तभी मिस्टर वैन आकर लेनजा के कान में कुछ कहता है। लेनजान
ब्रेकफास्ट छोड़कर इमीडिएटली चेयर से उठकर विंग के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, एंजेल मुझे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जाना है, आज ड्राइवर तुम्हें स्कूल छोड़ देगा, इज दैट ओके। विंग लेंजा की बात पर नोट करके कहता है, लेंजन तुम अपना ख्याल रखना ठीक है। लेंजन जाते हुए कहता है, और तुम भी अपना ख्याल रखना। विंग स्कूल ख़त्म होने के बाद गेट के बाहर कार के लिए इंतज़ार कर रहा था, तभी पीछे से किसी ने उसके शोल्डर पर टैप करके कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग पीछे मुड़ता है, विंग शाही करते हुए कहता है, ओ तो ए तुम हो जियांग चैन, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग चैन कहता है, मैं बस इस रास्ते से अपने घर ही जा रहा था, तुम्हें देखा तो तुमसे बात करने के लिए चला आया। ऐसे तुमने स्कूल चेंज क्यों कर लिया। विंग कहता है, क्योंकि वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था इसलिए। जियांग चैन कहता है, बहुत दिनों बाद मिले हैं हम राइट। विंग कहता है, जियांग चैन कहता है, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। दूसरी तरफ लेंजन ऑफिस वर्क ख़त्म करके मेंशन आ जाता है। मेंशन पहुंचते ही लेंजन सबसे पहले विंग का नाम लेकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेंजन बेडरूम में विंग को चेक करता है, उसके बाद लेंजन विंग के स्टडी रूम को चेक करता है। सब कुछ चेक करने के बाद लेंजन सर्वेंट और गार्ड को बुलाता है। लेंजन के आवाज़ सुनकर सभी सर्वेंट और गार्ड लिविंग रूम में इकट्ठा होकर सिर नीचे झुकाकर खड़ा हो जाता है। लेंजन कहता है, विंग कहाँ है। सब साइलेंट होकर खड़े थे तो लेंजन एंग्री टोन में शाउट करके कहता है, बताओ विंग कहाँ है, वरना मैं सबको नौकरी से निकल दूंगा। किसी को भी विंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेट कहती है, मिस्टर लेन सर स्कूल से अभी तक घर वापस ही नहीं आया, तो हम नहीं जानते कि सर इस वक्त कहाँ है। लेंजन एक हाथ से अपना हेड मसाज करते हुए कहता है, डैम हाउ कैन आई फॉरगेट, मैं इस बात को कैसे भूल गया। लेंजन तुरंत उस ड्राइवर को कॉल करता है जो विंग को स्कूल से लेने जाने वाला था। ड्राइवर कॉल पिक करके कहता है, हेलो मिस्टर लेन। लेंजन कोल्ड टोन में पूछता है, विंग कहाँ है, तुमने अभी तक उसे घर क्यों नहीं लेकर आया। ड्राइवर कहता है, मिस्टर लेन मैं तो कब से स्कूल के बाहर ही सार के लिए इंतज़ार कर रही थी, लेकिन सार मुझे स्कूल में नहीं मिला। लेंजन शाउट करके कहता है, क्या मतलब कि वो तुम्हें नहीं मिला, और तुमने मुझे ये बात कॉल करके क्यों नहीं बताया। लेंजन तुरंत अपने स्पाई को कॉल करके कहता है, क्या तुम विंग के लोकेशन फाइंड करके मुझे अभी सेंड कर सकते हो। सीक्रेट स्पाई कहता है, यस मिस्टर लेन अभी 10 मिनट में आपको लोकेशन सेंड करता हूँ। ये कहकर स्पाई कॉल काट देता है। आफ्टर 10 मिनट स्पाई लेंजन को विंग के लोकेशन सेंड कर देता है। लोकेशन मिलते ही लेंजन कार में बैठ कर खुद ही कार ड्राइव करने लगता है। लेंजन गुस्से में कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। हाउ डेयर यू विंग, मेरे परमिशन के बिना तुम स्कूल से कहीं और कैसे जा सकते हो। लेंजन स्पाई के द्वारा भेजा गया लोकेशन पर कार रोककर हर डायरेक्शन में विंग को ढूंढने लगता है। विंग जियांग चंग के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी इंजॉय कर रहा था, तभी उसने कैफे में इबो को एंटर करते हुए देखा। विंग अभी इबो का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, या फिर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इबो का सामना कर पाए। विंग जियांग चंग से कहता है, एक मिनट मैं वॉशरूम से आता हूँ। ये कहकर विंग वॉशरूम के लिए चला जाता है। कुछ मिनटों के बाद विंग जब वॉशरूम से बाहर आया, इबो वॉशरूम के बाहर ही खड़ा था। इबो को देखकर विंग अपना स्टेप पीछे लेने लगता है, और इबो वॉक करके विंग के नज़दीक से और ज़्यादा नज़दीक आने लगता है। वांग इबो कोल्ड टोन में कहता है, क्या हुआ, तुम अपने कदम पीछे क्यों ले रही हो, क्या तुम मुझसे डर रहे हो। वी आह सॉरी लेन वी, जिस दिन हम दोनों साथ में रात गुजारा तब से तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। वी विंग के पास कहने के लिए कोई वर्ड नहीं था। विंग क्रैकिंग वॉइस में कहता है, इबो क्या ऐसा हो सकता है कि अब हम इस बारे में कोई बात ना करें, यह हम दोनों को साथ में किसी ने देख लिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इबो वन आईब्रोस रेज करके कोल्ड टोन में कहता है, क्यों तुम्हें डर लग रहा है, कहीं तुम्हारे माफिया हस्बैंड तुम्हें यह मेरे साथ देख ना ले। अचानक से इबो विंग का हाथ पकड़ लेता है, चलो मेरे साथ। विंग इबो से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, इबो
तुम मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? इबो कहता है, जहाँ कोई हम दोनों को नहीं देख पाएगा। मैं तुम्हें अपने साथ मेंशन लेकर जा रहा हूँ। विंग कहता है, ओके ओके काम डाउन, तुम मुझसे बात करना चाहते हो ना? राइट, हाँ ठीक है चलो यहाँ बैठकर बात करते हैं। इबो मेरा यकीन करो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी को धोखा दे। इबो कहता है, व्हाई डिड यू रन अवे आफ्टर यूजिंग मी? मुझे यूज़ करने के बाद अब तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो वी? इबो बहुत ज़्यादा हार्ड था। इबो के हार्श वर्ड से विंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके दिल पर नाइफ से स्टैब कर दिया हो। विंग इबो के चेहरे को देखकर कहता है, ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो इबो? मैंने कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा और ना ही कभी ऐसा कभी सोचूंगा। आई रियली लाइक यू। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर गया था और हम दोनों करीब आए, तब मुझे रियलिटी हिट हुआ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन लव नहीं करता। इसलिए उस दिन मैं बीच में ही रुक गई थी और हम दोनों के बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। इबो के आंखों में आंसू था। इबो लो वॉइस में कहता है, बट यू डीड इट। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ दोस्त था, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी थी। लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए पनिश नहीं करूँगा, बिकॉज आई रियली केयर फॉर यू, बिकॉज आई रियली लव यू, ओनली यू। अचानक लेंजा का ध्यान कॉफ़ी शॉप में पड़ता है। विंग मिरर के पास बैठा हुआ था और उसके साथ कोई और भी है, और विंग उसका हाथ पकड़कर बैठा था। लेंजान इबो का शक्ल नहीं देख पा रहा था। ये देखकर लेंजान का खून खोलने लगता है। लेंजान तुरंत अपने पॉकेट से गन निकालकर कॉफ़ी शॉप में एंटर करता है। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में एंटर करता है। अंदर आकर लेंजान इबो को देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेंजान तुरंत पीछे से विंग के रिस्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। विंग लेंजान को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। इससे पहले कि विंग और इबो कुछ कह पाता, लेंजान सीधा इबो के फेस पर पंच करता है, जिससे इबो के नोज से ब्लड ड्रॉप होने लगता है। इबो के नोज से ब्लड निकलते हुए देखकर विंग लेंजान के ऊपर शाउट करके कहता है, आर यू मैड? लेंजान तुमने इबो के साथ ऐसा क्यों किया? लेंजान टाइटली विंग के रिस्ट होल्ड कर एंग्री टोन में कहता है, यू जस्ट शट अप, ओके यू जस्ट शट अप। तुम्हें क्या लगा वी, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ करोगे और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा? हाँ लेकिन लैन वी, तुम शायद भूल गए हो हाउ पावरफुल आई एम। लेंजान विंग के कलाई पर अपने पकड़ और मजबूत कर डार्कली चकल करते हुए कहता है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। इवो कहता है, वी का हाथ छोड़ो, यू कांट ट्रीट हिम लाइक दैट। विंग कोई खिलौना नहीं है, तुम उसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। लेंजान अपने आदमियों को कॉल करके कहता है, अभी के अभी यहाँ आओ और उसका अच्छे से केयर करो, ताकि ये दोबारा मेरे हस्बैंड के आगे पीछे घूमने की हिम्मत ना कर पाए। विंग कहता है, लेंजान प्लीज़ इबो को छोड़ दो, उसे जाने दो प्लीज़। तुम जो सोच रहे हो वो सही नहीं है, प्लीज़ उसे जाने दो। हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे, मैं यहाँ इबो से मिलने नहीं आया था। जियान चेंग ने कॉफ़ी के लिए जीत किया तो मैं उसके कहने पर यह आ गया था। इबो से बाई चांस मिल गया, प्लीज़ लीव हिम। मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा कभी कोई रूल्स ब्रेक नहीं करूँगा, प्लीज़ तुम्हारे परमिशन के बिना किसी से बात नहीं करूँगा, प्लीज़ उसे जाने दो। लेंजान कैफे से विंग को घसीटते हुए अपने साथ कार में लेकर आता है और कार फुल स्पीड में ड्राइव करने लगता है। विंग लेंजान का हाथ छुराकर कार की डोर ओपन करके कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लेंजान उसे और टाइटली पकड़ लेता है। विंग रोते हुए कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अपने आदमियों से कहो इबो को छोड़ दे, उसे कुछ ना करे। सच में मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई धोखा देने वाली फीलिंग्स नहीं है लेंजा, आई रियली लव्स यू, प्लीज़ उसे जाने दो लेंजा। लेंजान शाउट करके कहता है, शट अप। विंग कहता है, नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, मैं और इबो जस्ट फ्रेंड है। लेंजान कैफे में जो कुछ भी हुआ मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने दो लेंजा। कार मेंशन के बाहर रोककर लेंजान विंग को कार से बाहर निकलकर एंग्री टोन में कहता है, नो नीड टू एक्सप्लेन। लेंजान
विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर उसे ऊपर ले जाने लगता है। बेडरूम आकर लंचन विंग को एग्रेसिवली बेड पर फेंकते हुए कहता है, यू आर फकिंग गेटिंग ऑन माई नर्व्स डे बाई डे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। मैं कुछ ज़्यादा ही तुम्हारे साथ सॉफ्ट हो गया था। एक कहकर लंचन विंग के लिप्स पर अपने लिप्स स्मैश कर उसे एग्रेसिवली प्लस रफली किस करने लगता है। विंग ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करने लगता है। विंग के आंखों से आंसू निकल आती है। विंग को सफ़र करते देख लंचन किस ब्रेक कर अपने थंब से विंग के आंसू को वाइप करके कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है एंजल, यू आर माइन और ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से फिट कर लो तुम। एंजल, यू आर माइन, ओनली माइन। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को एंजॉय कर रही हो। लास्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द शेयर कर दूंगी। तब तक आप लोग इसे एंजॉय करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर कर देना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अपना भी ख्याल रखना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।